दोस्तों, बहुत ही जल्द वीवो अपना नया फ़ोन लॉन्च करने जा रहा है जो कि फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कितने प्राइस रेंज में आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च देखने को मिलेगा और कब तक लॉन्च होने वाला है। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल बार में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वीवो एक्स फोल्ड 3 प्रो के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इस फ़ोन के लुक को लेकर। यहाँ पर ये आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसकी बैक आपको लेदर की देखने को मिलने वाली है। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप को मिल जाएगा। वहीं पर कैमरास के ऊपर जाइक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। इस फोन में जो हिंच यूज की जा रही है वो आपको कार्बन फाइबर की देखने को मिलती है। कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इसको आप दिन में 100 से भी ज्यादा बार खोल सकते हो और ये 12 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है इस हिंच का। वहीं पर इस फोन के अंदर आपको आईपी रेटिंग भी देखने को मिलती है और वहीं पर डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट होने वाला है। इस फोन के अंदर आपको 2 डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोनों ही डिस्प्ले के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और वहीं पर फेस अनलॉक का भी फीचर होने वाला है। 3.5mm का जैक इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर इस फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में बात करें तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पर देखने को मिलेगा जो कि फन टच 14 पर रन करने वाला है। इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको मल्टीपल वेरियंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको LPDDR5X की रैम और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलने वाला है। इस फोन के बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसके अंदर आपको 5700mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 100W के चार्जर के साथ आने वाली है। तो चलिए अब फोन की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसके अंदर आपको डबल स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि प्राइमरी डिस्प्ले आपको, मतलब कि जो खुलने के बाद जो डिस्प्ले होती है बड़ी वाली, वो आपको 8.03 इंचेस की देखने को मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन के साथ आने वाली है। 4500 की नीक पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। वहीं पर इसकी सेकेंडरी डिस्प्ले जो आपको फोल्ड हो जाने के बाद दिखती है वो आपको 6.53 इंचेस की देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन के साथ आती है। वहीं पर इसकी नीक पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो आपको 4500mAh देखने को मिलती है। वहीं पर दोनों डिस्प्ले के ऊपर आपको HDR10 और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कंटेंट वॉचिंग जो है दोनों ही डिस्प्ले पर आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। इस फोन के कैमरास के बारे में बात कर लें तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जो कि जाइक्स के कोलैबोरेशन के साथ आता है। वहीं पर 50MP का आपको एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर इसके अंदर आपको 64MP का टेलीफोटो 3x ऑप्टिकल जूम का सेंसर देखने को मिलता है और 50MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है। इसकी वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो आप 8K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैमरास के बारे में बात करें तो दोनों ही डिस्प्ले के ऊपर आपको 32MP का कैमरा देखने को मिलता है। फोल्ड हो जाने के बाद भी आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और फोल्ड होने के बाद भी आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि दोनों ही 32MP के सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं। सेल्फी कैमरा के वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो आप 4K में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए फोन के प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसके अंदर आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4nm पर बेस होने वाला है 5G प्रोसेसर होने वाला है, जिसका अंतिम स्कोर आपको 2 मिलियन तक का देखने को मिल जाता है। तो ये थी इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशन। अब इस फोन के लॉन्चिंग डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो वीवो वाले कंफर्म कर चुके हैं कि ये फोन आपको 6 जून को लॉन्च देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें इसका बेस वेरियंट जो आपको 1.5 लाख तक का देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा और इस फोन की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए थी। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।